हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग में जल संसाधन की। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है? ऑप्शन ए 95.5%, ऑप्शन बी 96.5%, ऑप्शन सी 97.5%, ऑप्शन डी 98.5%, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर है ऑप्शन बी 96.5%। क्वेश्चन नंबर टू, अलवणीय मृदु जल का प्रतिशत कितना है? विश्व में अलवणीय मृदु जल का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी 5.5%, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर है ऑप्शन ए 2.5%। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी रहती है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 18%, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है ऑप्शन सी 17%। 2020 के जनगणना के बाद यह बदल सकता है, तो इसका इंतज़ार करें। क्वेश्चन नंबर फोर है, विश्व का लगभग कितना प्रतिशत स्वच्छ जल भारत की आबादी को प्राप्त है? भारत में 16% आबादी रहती है विश्व का, उसके लिए ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 16%, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर है ऑप्शन ए 4% स्वच्छ जल ही भारत की आबादी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में किस नदी द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता सर्वाधिक है? भारत में किस नदी द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। गंगा में सबसे अधिक उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता है। निम्न में किस नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक प्रवाह सबसे अधिक है, परंतु इसका जल जो है बहुत ही कम मात्रा में यूज हो पाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता में अनुपातिक दृष्टि से प्रथम स्थान किस नदी का है? अर्थात वैसा नदी जिसका जल जो है वो सबसे अधिक प्रतिशत रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर जो है वो है ताप्ती। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जिसका अनुपातिक दृष्टि से प्रथम स्थान है, जो जल को भंडारित करके रखती है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर एट है, 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी। जल ही जीवन है, हम ये जानते हैं। जल की मात्रा धीरे धीरे घट रही है, तो जल का जो 1951 में जो उपलब्धता थी इनमें से कोई एक है। तो ऑप्शन ए 4177 घन मीटर, ऑप्शन बी 5177 घन मीटर, ऑप्शन सी 6177 घन मीटर, ऑप्शन डी 7000 घन मीटर या ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, 5177 घन मीटर जो है भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता
जल की थी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2025 ईस्वी तक भारत में प्रति व्यक्ति जल उत्पादन हो जाएगी। ऑप्शन ए 1234 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी 1324 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी 1432 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन डी 1342 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन डी 1342 क्यूबिक मीटर। तो 2025 तक जो जल का अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो जल उपलब्धता होगी वो 1342 क्यूबिक मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राणियों में जल का अंश विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है 65%। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे में जल का अंश विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए 60 से 99%, ऑप्शन बी 65 से 99%, ऑप्शन सी 70 से 99%, ऑप्शन डी 75 से 99%, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। यहाँ छपने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है सुंदर बहुगुणा, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई है नोटा या एमटीओ। तो इसका सही आंसर जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस बांध से है। ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी सरदार सरोवर, ऑप्शन डी सोन, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वीडिश विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार कितने घन मीटर से कम जल को जल संकट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 घन मीटर, ऑप्शन 500, ऑप्शन बी 500 घन मीटर, ऑप्शन सी 1000 घन मीटर, ऑप्शन डी 2000 घन मीटर, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, 1000 क्यूबिक मीटर जब जल किसी इंसान को मिलता है, ए प्रति व्यक्ति इंसान, तो वो एक जल जो है उसकी दैनिक उपयोग में आती है, लेकिन उससे कम जब मिलने लगता है तो जल संकट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में जल के अतिदोहन से किसके संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी क्लोराइड, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्सेनिक, आर्सेनिक में वृद्धि हुई है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्र की पहली राष्ट्रीय जल नीति कब बनी। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1987 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय जल नीति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन वर्षा जल ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ए खादिन, ऑप्शन बी जोहर, ऑप्शन सी टाका, ऑप्शन डी वाटर हार्वेस्टर, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। वाटर हार्वेस्टर से हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये ऑप्शन ए में खादिन, ऑप्शन बी जोहर, ऑप्शन सी जो टाका है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके हैं वर्षा जल संग्रह करने के। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसमें देखते हैं कौन होगा। ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 19,
सोन नदी घाटी का विकास ब्रिटिश सरकार कब किया? ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1887 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को भारत में लाया, उनमें से कुछ विकास के कार्यों में हालांकि उन्होंने खुद अपने फ़ायदे के लिए किया था। तो सोन घाटी का जो विकास है ब्रिटिश सरकार ने वो 1874 ईस्वी में किया था, तो इसका सही आंसर है 19 का ऑप्शन ए 1874। क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रपुरी बांध कब बना? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1988, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 1968 ईस्वी में इंद्रपुरी बांध बनाया गया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 सितंबर, ऑप्शन ई नोटा या एमटीओ। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।